एक ऐसा महल जिसका निर्माण एक राजा के जिद के कारण हुआ और जिसने उत्तराखंड के सबसे सुंदर शहर में तब्दील होने के ख्वाब देखे थे, और दुर्भाग्यवश आज ये खंडर पड़ा हुआ है। तो स्वागत है आपका केदारखंड की एक और नई यात्रा में। आज हम जा रहे हैं प्रताप नगर राजमहल में। सीधी जो सड़क जा रही है, जा रही है लंबगांव और दाई ओर मुड़कर जाएंगे प्रताप नगर के लिए। विकास खंड प्रताप नगर में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंच गए प्रताप नगर शहर में, और ये यहाँ के स्थानीय लोगों की तहसील भी है। यहाँ से आगे जाएंगे प्रताप नगर महल के लिए। दोस्तों, ये हम पहुँच चुके हैं प्रताप नगर महल में। इसके अलावा एक महल और है रानी का, अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे आगे वीडियो में, और बताएंगे इसकी कहानी कि कैसे इस महल का निर्माण हुआ था, कब ये महल बना था और किसने इसे बनवाया था। 1870 के दशक में टिहरी में राजा प्रताप शाह का राज हुआ करता था। बसंत ऋतु बीत जाने पर रानी के साथ मसूरी के माल रोड पर टहल रहे थे। इस समय राजा के साथ उनके अंग रक्षकों की टोली भी उनके साथ आगे पीछे चल रही थी। इसी समय सामने से एक अंग्रेज कैप्टन अपने अर्धदलियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। अंग्रेज कैप्टन ने राजा को इस प्रकार अर्धदलियों के साथ घूमते हुए देखा तो उसने राजा को टोक दिया। राजा को अपनी शान में यह गुस्ताखी लगी। दोनों में विवाद होने लगा और राजा प्रताप शाह ने कैप्टन को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे कैप्टन जमीन पर गिर पड़ा और पत्थर से टकराने से वहीं पर कैप्टन की मौत हो गई। अंग्रेजी सेना व पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची। राजा पर गैर इरादन हत्या का मुकदमा दर्ज होता उससे पहले ऊपर से फरमान आया कि राजा को छोड़ दिया जाए। राजा को छोड़ने की वजह यह भी बतलाई जाती है कि उस समय टिहरी रियासत के साथ बड़ा व्यापार होने वाला था। राजा को टिहरी लौट जाने को कहा और साथ ही मसूरी में राजा का प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया। इन सब से राजा को बहुत गुस्सा आया और वापस आते हुए राजा ने जबर खेत में कसम खाई कि मैं मसूरी से भी खूबसूरत हिल स्टेशन बसाऊंगा। टिहरी लौटते ही राजा ने अपनी बात अपने मंत्रियों के सामने रखी और फिर सर्वे हुआ। सर्वे में सबसे खूबसूरत जगह ढांगदार को पाया गया। देवदार, बांज और कैल के जंगलों से घिरा ढांगदार लगभग 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। सर्दियों में यहां हिमपात होता और गर्मियों में यहां का मौसम बेहद सुहावना रहता। ढांगदार मसूरी को सिर्फ खूबसूरती में ही टक्कर नहीं देता था, बल्कि यहां से रियासत की राजधानी टिहरी पर भी साफ नजर रखी जा सकती थी। 1877 में राजा ने ढांगदार को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया था। ढांगदार का नाम बदलकर प्रताप नगर रख कर दिया गया। राज दरबार 6 महीने टिहरी और 6 महीने प्रताप नगर में चलने लगा। कुछ समय बाद यहां रानी के महल का भी निर्माण किया गया। पुरानी टिहरी से प्रताप नगर के लिए पैदल मार्ग का निर्माण भी करवाया गया। और अभी हम जा रहे हैं रानी के महल की तरफ, आपको दिखाएंगे कैसा दिखता था रानी का महल। अभी पूरा महल ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। बात करें पुराने महल की या ये रानी के महल की, दोनों महल खंडर हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से दिखती है टिहरी साफ। अभी यहाँ पर टिहरी डैम बन गया है। पहले यहीं पर राजा की राजधानी हुआ करती थी, यहीं पर राज दरबार, घंटाघर, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अभी वो सब पानी में तब्दील हो चुकी है।
और ये रनिवास का अंदर से नज़ारा है। पूरा महल ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पूरा महल ही खंडर बन चुका है। जगह जगह कांच टूटे हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं। बताया जाता है कि महल का निर्माण पत्थरों के साथ यहाँ पर दाल पीसकर लगाई गई है। यहाँ पर सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है, सीमेंट की जगह पर दाल को पीस करके पत्थरों के बीच में भरा गया है। अब देखिए दोस्तों, हम आपको एक अद्भुत तरीके की खिड़की दिखाएंगे। वाह, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से, आनंद। ये देखिए, यह है प्रताप नगर शहर, इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है इसमें। सौरभ रतुरी दिखाएंगे अभी खिड़की, इन दरवाजों को खोल करके। इनसे बाहर से, अंदर से बाहर तो देखा जा सकता है, मगर बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता है। यह है बर्तन धोने का स्थान, जिसको कि पहाड़ों में खसी बोला जाता है, खसी। और यहाँ से देखिए टिहरी का कितना सुंदर नज़ारा, भी धूप तेज है इस वजह से दिख नहीं रहा। पहाड़ी चूल्हा, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।